यूपीएससी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक के क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर सिक्स में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है लेक्चर नंबर सिक्स का टॉपिक है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लेक्चर नंबर सिक्स का सबसे पहला टॉपिक है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम क्या है, थर्मोकेमिकल, ठीक है ना। तो थर्मोकेमिकल मतलब क्या हुआ, थर्मो प्लस केमिकल, देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। थर्मोकेमिकल मतलब क्या हुआ, थर्मो प्लस केमिकल। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चे, केमिकल इक्वेशन होता है ए प्लस बी प्रोडक्ट बना सी प्लस डी, ये आपका एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक। ये आप केमिकल इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये HCl NaOH रिएक्शन करा रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारे रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन है। लेकिन जैसे ही केमिकल इक्वेशन में क्या दे दे, डेल्टा एच का वैल्यू भी दे दे, मान लो प्लस एक्स माइनस एक्स कुछ भी डेल्टा एच का वैल्यू, यानी कि हीट मेंशन कर दे, तो वो केमिकल इक्वेशन को आप क्या कहिएगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन में हीट अगर मेंशन कर दे तो क्या कहेंगे, उस केमिकल इक्वेशन को थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसके नाम में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन में हीट मेंशन कर दे तो क्या हो गया बच्चे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। चलो ठीक है, ये तो बहुत आसान डिफिनेशन था। तो क्या इतना ही है क्या, तो नहीं, एक और चीज ध्यान रखना है कि जो आपका इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो ए प्लस टू बी है तो और बने ए बी टू, तो ये क्या है, देखो दोनों इक्वेशन क्या है, बैलेंस है ना, इधर भी ए कितना है वन मोल, इधर भी ए कितना है वन मोल, इधर बी कितना दो मोल और इधर भी दो मोल, तो ये बैलेंस फॉर्म में है। और इसमें अगर डेल्टा एच का वैल्यू दे दे दिया रहे तो ये जो केमिकल इक्वेशन था ये अब केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखो इतना आसान टॉपिक है, ठीक। अब आप एक एग्जांपल मैं देता हूं और बताइएगा क्या ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, क्या आपको बताना है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, एस प्लस ओ टू क्या बना प्रोडक्ट में, एसओ टू, जब SO2. और साथ में इसने क्या मेंशन कर दिया है, हीट भी मेंशन किया है, तो है, है। क्यों थर्मोकेमिकल इक्वेशन है बच्चे, सल्फर एक बिल्कुल सही, सल्फर इधर एक मोल इधर भी एक मोल, ऑक्सीजन दो मोल इधर भी दो मोल, और डेल्टा एच का भी वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि हीट भी दिया हुआ है और इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन दिए, तो ये आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या। मान लो ये डेल्टा एच नहीं दिया रहता तो क्या इसको हम थर्मोकेमिकल कहते क्या बेटा, तब नहीं कहते, तब ये केमिकल थी। अच्छा अगर मान लो ये डेल्टा एच दिया रहता और इक्वेशन आपका ये रहता एस प्लस ओ टू टू एसओ टू, क्या अब ये और डेल्टा एच भी दिया हुआ है, क्या इस इक्वेशन को अगर इसमें डेल्टा एच दे दिया रहे क्या थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे क्या, बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो गया हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हैंड रेज करेगा या फिर माइक से बोलेगा या फिर चैट बॉक्स में बोलेगा, आपके पास तीनों ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। तो हमने थर्मोकेमिकल पढ़ लिया, अब हम आते हैं डेल्टा एच के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। चल स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो। अच्छा मैं छोटी कर रहा हूँ अभी, अभी मैं ये रहा, देखो तुम लोग बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, पढ़े होगे ना, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा एक्सोथर्मिक का, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वही रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक रहता तो सर पॉजिटिव, पॉजिटिव होती, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता, ठीक। तो इस बच्चे किसी को इस बच्चे में मतलब ये दोनों पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट, नो डाउट, तो यही आपका यहाँ पे कन्वर्ट, ये जो है पहला पॉइंट यही कर रहा है, आपके जो
स्लाइड के पहले पॉइंट यही कह रहा है, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, निगेटिव होता है, और इंडोथर्मिक का डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो आपने खुद ही लिखा दिया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरे पॉइंट आप बताइएगा कि आपने एक पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा होगा, जिसमें आप, क्या इसमें जिसमें आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस का डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, एच टू गैस का डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होता है क्या, जीरो, एलिमेंट्री स्टेट में। तो ये आप पढ़ चुके, जब भी एलिमेंट्री स्टेट में रहता है कोई भी आपका कंपाउंड एलिमेंट, जब भी एलिमेंट्री स्टेट में रहेगा तो उसका डेल्टा एच जीरो होता है या फिर स्टैंडर्ड। और वो क्या होता है एलिमेंट्री स्टेट, तो एलिमेंट्री स्टेट होता है जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है, तो डेल्टा एच जीरो। अच्छा बताओ बच्चे एफ टू गैस का डेल्टा एच क्या होगा बच्चे, सर जीरो, सी एल टू का, सी एल टू गैस जीरो, बी आर टू गैस का जीरो, गलत सर, क्यों, क्योंकि हमारे नेचर में ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, Br2, तो इसलिए Br2 लिक्विड का जीरो होगा बट Br2 गैस का जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, कोई ऐसे जीरो नहीं बोलते जाना है, ठीक है ना। अच्छा I2 का, I2 गैस का अब बताओ, जीरो नहीं होगा, जीरो I2 लिक्विड, लिक्विड में पाया जाता है, I2 लिक्विड का भी जीरो नहीं होगा क्योंकि नेचर में हमारा I2 सॉलिड है ना, यहाँ मैं भी बोलती हूँ I2 सॉलिड के फॉर्म में, तो I2 सॉलिड का जीरो होगा। तो ये देखो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि ये सब हैलोजन फैमिली के हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोरीन गैस था, क्लोरीन गैस था, ब्रोमीन लिक्विड क्यों ले लिया और आयोडीन को सॉलिड क्यों ले लिया, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विड आ गया, अरे मैं ये कौन सा कलर ले लिया, मैंने तो ब्लैक ले लिया, ये लेना था। देखो आयोडीन क्या, ब्रोमीन जो होता है नेचर में लिक्विड में, फ्लोरीन क्लोरीन गैस में और आयोडीन सॉलिड में, तो कैसे हम ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि देखो हम पीरियोडिक टेबल में क्या लिखते हैं, फ्लोरीन लिखते हैं, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे चलता है ना, yes, sir. तो yes, sir. साइज की बात किया जाए तो जो ऊपर के दोनों है ये इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, नहीं बड़ा, ऊपर, अरे पीरियोडिक टेबल पर छोटा होता है, और आयोडीन क्या होता है, सबसे बिग आयोडीन होता है। देखो पीरियोडिक टेबल में ना बच्चे तुम ऊपर से जब नीचे जाओगे ना तो साइज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके ऑर्बिट बढ़ते हैं, पर तुम लोग पढ़े होगे ना 90th में 1s2 2s2, तो जब yes, sir, जी सर, तो हमेशा हम टेबल में ऊपर से जब भी नीचे आएंगे ना तो क्या होगा बच्चे, साइज इंक्रीज करता है, ठीक। अब ये बताओ कि जिसका साइज छोटा रहेगा वो तो गैस फॉर्म में रहेगा, लेकिन जिसका साइज बड़ा रहे तो वो क्या गैस फॉर्म में रहेगा, क्या उसको क्या सॉलिड फॉर्म में, हाँ सॉलिड में हो जाएगा, और जिसका दोनों के बीच में रहेगा वो क्या होगा, लिक्विड में रहेगा, ठीक है ना। या फिर तुम ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, देखो जो चीज छोटा है वो हवा में आसानी से उड़ जाएगा, जैसे मान लो अगर तुम ये हाइड्रोजन वाला बैलून आता है, एक बैलून आता है ना हाइड्रोजन बैलून, जिसको छोड़ दो तो हवा में उड़ जाता है, उड़ता है ना, तो yes, sir. तो उसके धागा में, मतलब बैलून का जो होता है ना, क्या होता है बैलून का जो रस्सी होता है, धागा होते, धागे होते हैं, उसमें अगर तुम कोई छोटा सा चीज तुम बांध दो, छोटा सा पेपर, तो वो पेपर भी उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना, गैस में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। बट जैसे ही उसमें तुम कोई बड़ा चीज तुम मान लो कोई सॉलिड तुमने बांध दिया, तो वो सॉलिड क्या उड़ जाएगा, क्या ऐसा होता है क्या कि हम बड़े चीज, हम देखो इंसान क्या है, बहुत बड़ा जानवर है, ठीक, तो हमने बैलून को पकड़ा है, तो ऐसा होता है क्या कि बैलून मतलब इंसान को ही हवा में उड़ा दे, मतलब पता चला बैलून लेके हम खड़े हैं और बैलून उड़ रहा है, उसके साथ साथ हम भी उड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। जो बड़े चीज होते हैं वो नहीं उड़ते हैं, वो क्या है, एक तरह से सॉलिड है। तो आपको कैसे ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि आयोडीन एक बहुत बड़ा है, आयोडीन जो होता है बहुत बड़ा आपका एलिमेंट है, तो इसलिए ये आयोडीन आपका बड़ा है, तो इसका नेचर में किस फॉर्म में पाया जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा,
और ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो उतना ज्यादा भी बड़ा नहीं है कि सॉलिड में हो जाए, एक मीडियम रेंज में है। तो इसलिए ब्रोमीन किस रेंज में आया, लिक्विड में। और बेचारा फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, बहुत छोटा है, तो गैस फॉर्म में। तो समझ में आया क्या कौन किस नेचर में किस फॉर्म में कौन सा हैलोजन पाया जाता है? याद जी रहेगा, सर, याद रहेगा नहीं? तो अगर अब पूछे तुमसे कोई पूछे बी आर टू सॉलिड का डेल्टा एच बताओ, जीरो होगा कि नॉट जीरो होगा? सर नॉट जीरो जीरो लिक्विड का या सर बी सॉलिड का? सर नॉट सॉलिड जीरो होगा, नॉट जीरो होगा। सॉलिड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर बी आर टू, अरे ये क्या हो गया, अब बी आर टू यदि लिक्विड फॉर्म में रहे तो जीरो होगा। अब जीरो। तो यही आपको ध्यान रखना था कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? ओ टू। सर ओ2 में ओ2 सेल्सियस यार गैस तुम, अच्छा ओ टू, वैसे कोई बच्चा बोल रहा था अभी ओ टू लिक्विड, अरे लिक्विड होता है क्या, हम सांस है सर गैस। तो लिक्विड होता तो देखो कित क्या प्रॉब्लम होता है। मान लो ओ टू लिक्विड फॉर्म में है तो तुम सांस ले रहे हो, सांस के लिए तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो तुमको नाक से लिक्विड दिया जाएगा, मतलब तुम्हारे नाक में एक पाइप लग दिया जाएगा और उसमें ऑक्सीजन लिक्विड फ्लो कराया जाएगा, तब तुम रेस्पिरेशन तुम्हारा होगा। तो ऐसा नहीं, ऑक्सीजन नेचर में गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, डेल्टा एच जो। और ये बताओ ये रूम टेम्परेचर पे होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे डेल्टा एच का वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में हमने अभी देख लिया, और ये किस टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में प्रेशर क्या रहना चाहिए, 1 bar प्रेशर रहना चाहिए। तो हमने डेल्टा एच स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा है पॉइंट, वो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको पूछता हूँ, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। ए प्लस बी प्रोडक्ट बना सी प्लस डी, और डेल्टा एच आपको दिया हुआ है 100 किलो जूल पर मोल। एक मैं अब दूसरा इक्वेशन दे रहा हूं और आपको डेल्टा एच बताना है। इक्वेशन क्या रहा, ये रहा आपके सामने प्रश्न, प्रश्न रहा ये, आप इसका डेल्टा एच बताइए क्या होगा, क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या? दो 200 किलो दो मोल 200 किलो जूल, बिल्कुल यास्मीन, बिल्कुल आपने सही बोला, 200 किलो जूल। कैसे निकला 200 किलो जूल, क्योंकि हम सर। क्या, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई किए हो ना, तो डेल्टा एच में भी क्या करोगे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? कितना आसान है ना, डेल्टा एच निकालने का तरीका कितना आसान है, बस जितना तुम्हारा ऊपर है उसमें अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो तुम भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? नो एक पॉइंट हुआ, सर, पॉइंट ये हुआ कि यदि कोएफिशिएंट को, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट में, यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपको डेल्टा एच में भी मल्टीप्लाइड या डिवाइड करना होगा, ठीक? तो अब तुम ये बताओ, यदि क्वेश्चन ये रहता सी प्लस डी प्रोडक्ट बना ए प्लस बी, तो डेल्टा एच कोई बता सकता है क्या? अब हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया है, तो डेल्टा एच कोई बता सकता है क्या? -100 बिल्कुल माइनस सही, बिल्कुल सही, -100 किलो जूल पर मोल, ठीक है? क्या -100 क्यों आया, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन, अगला पॉइंट हमारा ये है कि जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिवर्स कर देंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू भी आपको रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे क्या था, +100, तो यहाँ हो गया -100, इतना आसान है। तो एक अगला क्वेश्चन बताओ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको बताना है 1/c + 1/2d प्रोडक्ट बना 1/2a + 1/2b, कौन बच्चा बता सर कितना आएगा? -50 किलोग्राम पर किलो जूल मोल। पर, यस बिल्कुल सही, सर, -50, बिल्कुल सही, सभी बच्चे को आंसर पता है, इसका मतलब सभी बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, -50 होंगे, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया, का तो डेल्टा एच भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड हो गया। तो हमारे देखो कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर हो गए, ये वाले कोफिशियंट वाले पॉइंट हमने कवर कर लिया, फिर ये वाला कवर कर दिया कि कोई मल्टीप्लाई करोगे, नहीं दिख रहा ना, कलर चेंज करते हैं, ये वाला पॉइंट हुआ कि मल्टीप्लाई करेंगे और यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एच वैल्यू भी
मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ये कलर भी नहीं दिख रहा यार, येलो दिखेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट ये वाला भी हमने कर दिया कवर कि यदि रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच वैल्यू भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अब एक फिजिकल स्टेट वाला ये पॉइंट हमारा बच रहा है। तो अब आप बताइएगा ये कि क्या ये आपने ये इक्वेशन पढ़ा है क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस इसमें डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, डेल्टा एन। और ये बताओ डेल्टा एन किसका लेना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट केवल गैसियस एटम के लिए, गैसियस फॉर्म को लेना है। तो आप जल्दी से, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका डेल्टा एन बताना है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। क्वेश्चन ये रहा, ए सॉलिड प्लस बी गैस कन्वर्ट हो रहा है सी सॉलिड प्लस डी लिक्विड, आपको बताना है डेल्टा एन क्या होगा। डेल्टा एन होगा 1, डेल्टा एन 1 होगा क्या, जल्दी में गलती आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोच भी लो, थोड़ा टाइम भी ले लो, इतना भी जल्दीबाजी नहीं है। डेल्टा एन आपको बताना है -1, हाँ -1 होगा क्या, सभी बच्चों का -1 आ रहा है क्या, क्यों -1 होगा, क्योंकि सर क्योंकि प्रोडक्ट में जो आपका क्या है बच्चे, प्रोडक्ट में तो ये क्या है सॉलिड है ना, तो इसको तुम कंसीडर करेंगे नहीं, ये लिक्विड है तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये केवल इसको कंसीडर करेंगे। तो यानी कि प्रोडक्ट में कितना मोल हुआ, 0, और रिएक्टेंट में कितना मोल हुआ, 0 -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, तो हम ले -1, ठीक है ना, हाँ। तो 0 -1 यानी कि क्या हो गया आंसर आपका, आपका आंसर हो गया -1, ठीक। सेम अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ और फिर से आपको डेल्टा एन बताना है, इस बार सही है आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या हो गया, इस बार आपका आंसर सही आना चाहिए, ए गैस प्लस बी गैस कन्वर्ट हो रहा है सी गैस प्लस डी गैस, डेल्टा एन जल्दी से क्या होगा, जीरो, डेल्टा एन 0 होगा, क्यों, क्योंकि सभी गैस में है तो सभी कंसीडर किए जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 - 2 = 0। डेल्टा एन का वैल्यू जब फिजिकल स्टेट, तुमने क्या किया, देखो दोनों रिएक्शन तो ABCD पे है, लेकिन क्या करते हैं जब फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट, स्टेट चेंज हो रही, बस जब बस स्टेट चेंज हो रहे हैं तो डेल्टा एन चेंज हो रहा है, और जब डेल्टा एन चेंज होगा तो क्या डेल्टा एच चेंज होगा क्या, ये फॉर्मूला के हिसाब से तुम देखोगे, यदि डेल्टा एन चेंज होगा तो क्या डेल्टा एन चेंज हो, एच होगा, चेंज होगा क्या, यदि डेल्टा एन चेंज हो रहा है फिजिकल, देखो फिजिकल स्टेट पे क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा एन चेंज हो रहा है फिजिकल स्टेट, डेल्टा एन, अरे देखो देखो बच्चे मेरे बात पहले आप सुन लो फिर आप बोलना, फिजिकल स्टेट जो होता है, फिजिकल स्टेट देखो यहाँ पे चेंज किए तो डेल्टा एन, देखो यहाँ पे क्या था, -1 आया, यहाँ 0 आया, तो यदि तुम फिजिकल स्टेट चेंज किए तो डेल्टा एन चेंज हो रहा है, और यदि डेल्टा एन चेंज होगा तो इस इक्वेशन से देखते हैं डेल्टा एच भी चेंज होगा, यानी कि डेल्टा एन चेंज हो रहा है तो बच्चे क्या होगा, डेल्टा एच, अगर एन की पावर 0 हो गई तो ये पूरी इक्वेशन तो 0 हो जाएगी ना, हाँ तो एन 0 हो जाएगी, तो क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो जाएगा प्लस 0। तो हमने क्या सीखा, सीखा कि बच्चे आपने माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है ना, जब डाउट हो या फिर जब मैं पूछूं तब आप माइक ऑन कीजिए और फिर उसके बाद में, तो देखो क्या हुआ, डेल्टा एच जो, देखो डेल्टा एन जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, और डेल्टा एन पे डेल्टा एच डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं क्या, कि डेल्टा एच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि डेल्टा एच जो है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, क्या ये बात कहा जा सकता है क्या कि डेल्टा, कह सकते हैं। तो यही आपका अगला पॉइंट यही था
कि चेंज इन एंथैल्पी फिजिकल स्टेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आपका जो डेल्टा एच है क्या कर रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंस फिजिकल ऑन डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट। हाँ, तो क्या किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया हो, फिजिकल स्टेट वाला, डेल्टा एन वाला, डेल्टा एच वाला, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले। और अगर आ गया है तो क्या मैं अगले टॉपिक पे बढ़ू क्या? यस सर। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, हेस लॉ। हमारा अगला टॉपिक है हेस लॉ। कोई बच्चा जानता है हेस लॉ के बारे में? आपने कभी मतलब कोई बच्चा कुछ जानता है क्या हेस लॉ? सर जानते हैं। क्या होता है हेस लॉ सर? एक रिएक्शन की अगर जो एंथैल्पी है तो सर हम उस रिएक्शन को या तो एक लाइन में करें या 10 लाइन में करें, सर एक बात आएगी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपना आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ बच्चे आपका? शानू। बट आपका सर बताया तो था। हाँ तो बच्चे इतने बच्चे का नाम था ना, इसलिए मैं भूल गया, मुझे चेक करना होगा चैट बॉक्स में जाके। ओके सर, कोई बात नहीं। तो अभी मैं फिलहाल आपको शानू में बोल देता हूँ, ठीक है ना? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। तो देखो हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है कि जैसे मान लो अभी मैं आप ही पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे हमारे क्लास में एक शानू है, ठीक है, एक खुशबू है। तो शानू जो है वो एक रिएक्शन एक स्टेप में कर रही है, जैसे ए से डी शानू एक स्टेप में कर रही है। तो इसने इसने इसका जो चेंज इन हीट आया मान लो क्यू आया, ये किसका आया, शानू का। शानू ए से डी बना रही है और इसका जो आपका हीट का चेंज है वो क्यू आ रहा है। और खुशबू जो है वो इसी रिएक्शन को 3 स्टेप में करेगी। खुशबू कितने स्टेप में करेगी? 3 स्टेप में। कैसे करेगी? उसने ए से पहले क्या बनाया, बी बनाया, फिर बी से क्या बनाया बच्चे, उसने सी बनाया, और सी से क्या बनाया बच्चे, डी बनाया। और इसका जो हीट आ रहा है क्या आ रहा है बच्चे, पहला का आया डेल्टा एच वन इज इक्वल टू क्यू वन, फिर आया डेल्टा एच टू इज इक्वल टू क्यू टू, और आ रहा है डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू क्यू थ्री। तो खुशबू ये किसका था, ये खुशबू का था, किसका था, ये खुशबू का था। तो अब खुशबू क्या हो रही है, खुश हो गई। खुशबू कैसे, क्या खुश हो गई, बहुत हैप्पी हो गई कि देखो, बोल रही कि शानू को, शानू तुमने देखो एक ही हीट निकाला, मैंने 3 हीट रिलीज किए, मैं तुमसे 3 गुना हीट निकाली एक ही रिएक्शन में, मैं ज्यादा एनर्जी, इसने क्या बोल रहा है, खुशबू बोल रही है कि मैंने 3 गुना एनर्जी का प्रोडक्शन कर दिया। देखो हीट को हम एनर्जी बोलते हैं ना, हीट को हम एनर्जी भी तो बोल सकते हैं ना, हीट क्या एक फॉर्म। जी सर। तो खुशबू क्या बोल रही है, किसानों मैंने तुमसे 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी, क्या एनर्जी का प्रोडक्शन किया। लेकिन जब ये दोनों का एनर्जी कैलकुलेट किया जा रहा है तो क्या पता चल रहा है कि जो शानू का जो क्यू था ना वो खुशबू के क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री के बराबर था। यानी कि जो खुशबू क्या था, फालतू का ही खुश हो रही थी, उसने 3 स्टेप में रिएक्शन कराया तो उतना ही हीट निकला जितना शानू के एक ही स्टेप में रिएक्शन में हीट निकला था। तो हेस लॉ यही कहता है कि कोई इंसान रिएक्शन एक स्टेप में कराए और दूसरा इंसान उसी रिएक्शन को 10 स्टेप 20 स्टेप पे कराए, जो हीट होगा वो दोनों में क्या रहेगा, सेम ही अमाउंट में रिलीज होगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक मान लो एक पेपर है, एक पेपर का टुकड़ा है, ऐसे एक पेपर है, इसको तुम अगर एक ही बार में पूरा जला दो तो उतना ही हीट रिलीज होगा। और इसी पेपर को कोई क्या करे, मान लो 100 टुकड़ा में ऐसे टुकड़ा कर दिया और तब जलाए, मतलब एक एक करके, उतना ही हीट रिलीज होगा, ठीक है? तो ये एक तरह से क्या बता रहा है, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। ये तुम्हारा एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़े थे, वो भी किस पे बात कर रहा था, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हेस लॉ जो है ये किस पे बेस है, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे बेस्ड है। और ये क्या कहता है, कोई रिएक्शन, कोई केमिकल और फिजिकल प्रोसेस क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा, जो हीट का चेंज होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, जितने भी स्टेप्स ले लो, एक स्टेप में हो या फिर बहुत ज्यादा स्टेप में हो, मतलब रिएक्शन एक स्टेप में हो या बहुत स्टेप में हो, हमेशा तुम्हारा एनर्जी से कंजर्व रहेगा। तो मैं अब इस पे
क्वेश्चन आपको देता हूं और फटाफट आप इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, मान लो अब मैं नाम चेंज करता हूं, जैसे अनुष्का, जो बच्चे का स्क्रीन पे मुझे नाम दिख रहा है, मैं उसका नाम बता रहा हूं। अनुष्का क्या बना रही है, SO3 बना रही है। SO3 बना रही है, कैसे बना रही है, इसने क्या किया, S+O2 किया और इसका SO2 बना। ये एक स्टेप में इसने बनाया, फिर दूसरा स्टेप में इसने क्या किया, इसने लिया SO2, जो यहाँ पे SO2 बना था उसी को लिया और फिर हाफ O2 लिया, इसने SO3 बनाया। और इसने क्या मेंशन किया, इसने मेंशन किया डेल्टा H1 इज इक्वल टू -70 ले लेते हैं, 70 समथिंग था लेकिन हम 70 ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे। ठीक, डेल्टा H1 इसने मेंशन किया 70 किलो जूल पर मोल, और इसने डेल्टा H2 मेंशन, मतलब चेक करना ही भूल गई, मतलब इतना जल्दी जल्दी इसने रिएक्शन किया कि डेल्टा H1 इसने तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन डेल्टा H2 इसने कैलकुलेट करना भूल गई। अब इसकी हेल्प, मान लो इसकी हेल्प इसकी फ्रेंड शबनम कर रही है, डेल्टा किस चीज में हेल्प कर रही है, डेल्टा H2 फाइंड करने में। कैसे शबनम हेल्प करेगी, शबनम हेल्प करेगी, ये रिएक्शन को एक ही स्टेप में कराएगी, क्या कराएगी, इसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराएगी। तो इसने क्या लिखा, शबनम ने रिएक्शन नोट किया 3/2 O2 और इसने क्या बना दिया, SO3। दोनों का टारगेट था SO3 बनाना, दोनों ने SO3 बनाया लेकिन शबनम एक स्टेप में कर रही है। तो इसका रिएक्शन डेल्टा एच इसने क्या मेंशन किया, इसने नोट किया -94 किलो जूल पर मोल। अब बताओ कि क्या अब ये डाटा से हम डेल्टा H2 फाइंड कर सकते हैं क्या, yes, sir. तो कर सकते हैं, तो आंसर बताओ, हिस लॉ का इस्तेमाल करना है और आंसर बताना है। कैसे हिस लॉ का, 94 है, -94 -94 है, -70 है, तो जल्दी से बताओ हिस लॉ का इस्तेमाल करके आंसर जल्दी से बताइए। अब देखो क्या, क्यों हिस लॉ लगेगा, क्योंकि -14 नहीं, प्लस माइनस आपको गलती हो रहा है, प्लस माइनस में आप रॉन्ग कर रहे हैं, जोड़ घटाओ इसका मतलब आपको नहीं आता क्या, चेक करो अपने आंसर को। देखो क्या कर रहा है, अनुष्का जो है रिएक्शन एक स्टेप में करके इसने भी SO3 बनाया और शबनम ने भी SO3 बनाया, दोनों ने SO3 बनाया, इसने दो स्टेप में बनाया, इसने एक स्टेप में बनाया, तो डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा तो सेम ही रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 लिखेंगे ना, फिर आपका गलत आया, प्लस माइनस भी चेक कर लो। देखो जल्दी में आंसर देना है बट गलत नहीं देना है, ठीक है ना, प्लस माइनस तो प्लस होता है, -24 गौरव का आंसर सही है। देखो कैसे, सर मेरा भी सही आया था बट माइनस माइनस तो प्लस होता है। अच्छा अभी हम माइनस आएगा, अच्छा अभी हम देख लेते हैं। देखो डेल्टा एच का वैल्यू क्या दिया है, -94, डेल्टा एच1 का वैल्यू क्या दिया है बच्चे, -70, और इसको मान लो तुमने एक्स मान लिया, तो ये जो अब तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, -94 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स। तो देखो -94 ज्यादा है ना, माइनस वाला क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्या आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू -24 आएगा ना, यस सर। हाँ तो हमने क्या, कौन सा लॉ लगाया, हमने हेस लॉ लगाया, हमने हेस लॉ का यूज करके अनुष्का का जो डेल्टा H2 निकालने में अनुष्का ने मिस कर दिया था, हमने मदद की और उसका डेल्टा H2 कैलकुलेट करा दिया। सर एक और क्वेश्चन करवा दो, क्या सर एक और क्वेश्चन इसी पे, ये इसी पे, यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बच्चे, यस सर आ गया, आ गया ना, तो ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा वैसे आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है। अभी चलो ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये सेम क्वेश्चन आपके पीपीटी में भी दिया हुआ है, ठीक, पीपीटी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो S+O2 इसने SO2 एक स्टेप में बनाया, फिर क्या SO3 बनाया, डेल्टा H1 दिया है, डेल्टा H2 दिया हुआ है, और कोई दूसरा इंसान है वो एक ही स्टेप में SO3 किया, तो इसका भी दिया हुआ है।
देखो इन दोनों का सम देखो -70 प्लस -94, जब दोनों को तुम ये नहीं कहाँ गया, यहाँ पे -70, एक सेकेंड बच्चे, तुम -70 और इन दोनों को जब ऐड करोगे बच्चे, तो देखो ये आ गया कि नहीं, थर्ड वाला आ गया ना, तो हाँ तो तुम्हारा दोनों क्या हो गया, सेम आ रहा है ना, तो यही हेस लॉ का इक्वेशन नीचे आ गया। तो किसी बच्चों को नहीं समझ आया हो तो पूछ ले, क्या किसी बच्चों को हेस लॉ में कोई डाउट नहीं समझ आया? हाँ किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, और बहुत बच्चे, बहुत कम ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है चैट बॉक्स में भी, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगते हैं क्या ये डेल्टा एच की जो पावर होती है, पावर पावर मतलब नहीं समझे बच्चे, मतलब ये जो इनकी वैल्यूज है ये इसकी बात कर रहे हैं, 1 2 इसकी बात कर रहे हैं क्या, क्या बच्चे ये 1 2 की बात कर रहे हैं क्या बच्चे, जैसे ये डेल्टा आर डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 1 है, तो नहीं ये टाइप ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच आर मतलब आर फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस एच 2, ऐसा कुछ नहीं है कि ये टाइपिंग एरर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप और देखिए मतलब कोई ए प्लस बी कर रहा है और दूसरा इंसान बी प्लस ए कर रहा है, आंसर तो सेम है, आंसर तो सेम है, अरे आप अपना आवाज इको कर रहा है, डबल डबल आ रही है, हाँ तो वही बोल रहे हैं ना आवाज, अब नहीं आ रहा होगा ना, अब हाँ बच्चे आप सब ना अपना अपना माइक ऑफ रख दीजिए, जब डाउट होगा ना तब पूछिएगा, तब आवाज मेरी क्लियर आएगी, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन बच्चा देता है, जल्दी से मैं अब ना कुछ पोल भी बना लेता हूँ, ए होगा क्या, सही बच्चे का ए कहना है क्या, यस सर, यस सर, फर्स्ट वाला है, हाँ बिल्कुल सही ए होगा, क्यों अभी हमने पढ़ा ना हेस लॉ किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और वो क्या कलर से है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि सभी बच्चे मेरे क्लास में जगे हुए सो नहीं रहे, yes, तो बच्चे आंसर दे देना और तुरंत माइक को म्यूट कर देना है, नहीं तो आवाज मेरा अच्छे से क्लियर नहीं आता। ओके सर, अब हम लोग आते हैं आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सेकेंड लॉ ऑफ, तानिया आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज बेटा, नहीं तो मुझे आपका माइक को क्या करना होगा, ऑफ करना पड़ेगा, हाँ थैंक यू। तो देखिए क्या अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले एक हमें वर्ड जानना है एंट्रोपी, क्या जानना है, इन एंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होता है बच्चे कोई बता सकता है क्या सर, इंट्रोपी क्या होता है बच्चे, सर फ्रीडमनेस, रैंडमनेस या फ्रीडमनेस, हाँ फ्रीडमनेस भी बोल सकते हो, बोल सकते हो उत्तर बिल्कुल सही, कोई मतलब कितना फ्रीडम है, या फिर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे, रैंडमनेस। अब रैंडमनेस मतलब क्या हुआ, तो देखो तुम्हारा जो कोई पार्टिकल है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, बिल्कुल सही अवंतिका बिल्कुल सही, डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होता है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम चले गए, रैंडमनेस जो होता है वो क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर पे मान लो क्या होगा, एक वेंटिलेटर होगा घर में, हमारे वेंटिलेटर होते हैं, उससे क्या होता है लाइट, एक वेंटिलेटर से क्या आता है लाइट आ रहा है, तो आप देखते होंगे जब लाइट आता है ना तो वेंटिलेटर में डस्ट पार्टिकल आपको कभी कभी मूव करता हुआ दिखता होगा, ऐसे दिखता है क्या डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डस्ट पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है, रैंडम, हाँ डस्ट पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है, इसका मतलब डस्ट पार्टिकल का एंट्रोपी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, हम क्या बोलेंगे, डस्ट पार्टिकल का एंट्रोपी पॉजिटिव है, यानी कि डस्ट पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि जो चीज भी मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसका एंट्रोपी बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो एंट्रोपी कितना आसान सा चीज, आसान मतलब नाम इतना टफ है, खतरनाक नाम है एंट्रोपी, बच्चा डर जाएगा, लेकिन देखो इसका सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, सही मैं फिर से बता रहा हूँ, एंट्रोपी जो होता है
वो रैंडमनेस को कहते हैं, मतलब कोई बॉडी या कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल कितना मूव कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं ऐसे से घूम घूम कैसे से हिलेल के पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपका एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस को एंट्रोपी कहेंगे, या फिर कोई भी गैस मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस कितना मूवमेंट शो कर रहा है वो उसका रैंडमनेस कहेगा। और थर्मोडायनेमिक के लैंग्वेज में उसी रैंडमनेस को दूसरा नाम हम लोग एंट्रोपी दे दिए हैं। समझ में आया क्या एंट्रोपी? जी सर। यस सर। रैंडमनेस को ही एंट्रोपी बोल रहे हैं। अब तो ये एंट्रोपी हमको समझ में आ गया। तो इससे क्या हुआ? अच्छा, एक एंट्रोपी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस से। और इसका फॉर्मूला होता है क्या? क्यू अपॉन, हाँ बिल्कुल, अपॉन टी। और क्यू क्या है वहां पे? कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, सर क्या है? टेम्परेचर। तो ये हो गया एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो ये तो हम एंट्रोपी के बारे में जान गए, बट सेकेंड लॉ के बारे में तो हमने जाना ही नहीं। तो सेकेंड लॉ जो जानने से पहले कोई बच्चा मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताए। सर फर्स्ट लॉ? हाँ फर्स्ट लॉ। सर जो एनर्जी क्रिएट नहीं होती और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। बिल्कुल सही, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती एक फॉर्म से, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बच्चे का मैंने आंसर सुन लिया, मंसिका, सानू, यस्मीन, अनुष्का, सबका मैंने आंसर सुन लिया। आपके सभी के आंसर सही है। अब आप मेरी बातें सुनिए, ठीक है ना? तो देखो ये बताओ, एक तुम्हारा, एक क्या है, ये हॉट वाटर का ग्लास है, ठीक, हॉट वाटर का ग्लास है। और इसका मान लो इसमें हीट कितना है, इसने हीट कंटेंट किया है 100 किलो जूल, ठीक। और बाहर मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक। अरे बाल को सर को भी बोलने दो, अरे कोई बात नहीं। देखिए आप बोल रहे हैं इसलिए, मतलब आप देखिए, जब केवल टीचर बोले, स्टूडेंट नहीं बोले तो टीचर भी बोर हो जाता है। तो इसलिए जब आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? बट बीच बीच में क्या करना है, हम लोग को पढ़ाई भी तो करना है ना, नहीं तो सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में शांत रहना है, फिर जब आपका टर्न आएगा तो फिर आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना? तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक ग्लास है, इसका ये इस ग्लास में हमने क्या रखा है, कोई गर्म पानी रख दिया है, और इसका टेम्परेचर 100 किलो जूल, और बाहर मान लो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में मान लो कितना एनर्जी है, एटमोस्फेयर में एनर्जी मान लो कितना है, मान लो 25 किलो जूल हीट है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इसको मान लो ए मान लिया, इसको बी। फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि पहला वाला जो 20 किलो जूल अगर हीट लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, 20 गेन करेगा, मतलब हमेशा कंजर्व रहेगा। देखो इन दोनों का सम कितना हुआ, 100 प्लस 25 कितना हुआ, 125 125। तो दूसरा मान लो क्या कर रहा है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये जब 80 होगा तो दूसरा क्या होगा, 20 गेन कर लेगा, यानी कि ये 45 हो जाएगा। मतलब जैसे ही देखो इसमें से हमने क्या किया, 20 माइनस किया, ए से हमने 20 माइनस किया, माइनस 20 किया, तो बी में हमने 20 प्लस किया, और टोटल देखो अभी भी 125 किलो जूल। तो क्या फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है? तो हाँ हो रहा है सर। yes, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। तीसरा हमने क्या किया कंडीशन, तीसरे बॉडी में स्टोर हो गया, हमने ए में 20 ऐड कर दिया, तो ए में 20 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 120 किलो जूल। तो ए में 20 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलो जूल। तो अभी भी क्या हो गया, 125 किलो जूल। ये भी एनर्जी कंजर्व है। तो तीनों में एनर्जी कंजर्व है। तो ये बताओ क्या तीनों पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ, ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से तीनों पॉसिबल है, बट रियलिटी में ये तीनों पॉसिबल नहीं होगा। रियलिटी में देखो, अगर तुम गर्म पानी का बॉटल बाहर टेबल पे रखोगे तो क्या वो पानी का बोतल और गर्म हो जाएगा कि ठंडा होगा, तुम ये बताओ? ठंडा हो जाएगा। यानी कि हीट का फ्लो कहाँ होता है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, कोल्डर में, हॉटर से कोल्डर में होता है ना। यानी कि 100 किलो जूल से हीट का ट्रांसफर बाहर एटमॉस्फेयर में आएगा। इट मीन्स ये 100 से फ्लो होगा तो ये 100 से हमेशा डिक्रीज होगा, 100 से इंक्रीज कभी नहीं करेगा। हीट लगानी पड़ेगी। हमारा ये वाला गलत और ये वाला
सही, ये रॉन्ग, ये सही। क्यों रॉन्ग? क्योंकि जब तुम पानी का बोतल बाहर, गर्म पानी का बोतल टेबल पे रखोगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो और गर्म हो जाए, वो ठंडा होगा। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 100 था और बाहर एटमॉस्फेयर में मान लो 25 किलो जूल ही हीट है, लेकिन क्या किया हमने, इसको उल्टा ट्रांसफर करा दिया, इसी को और हीट दे दिया। तो ऐसा तो नहीं फ्लो होता है। तो लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो दोनों सही हो रहा था, बट रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, दोनों सही नहीं है, नहीं है ना सही। तो अब क्या किया, फर्स्ट लॉ तो फेल कर गया, तो अब क्या आएगा इसका हेल्प करने के लिए, आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेंड लॉ कैसे इसका हेल्प करेगा, सेकेंड लॉ इसकी लिमिटेशंस है ना। हाँ, फर्स्ट लॉ की ये लिमिटेशन है। तो अब सेकेंड लॉ बच्चे कैसे इसकी हेल्प करेगा, सेकेंड लॉ बोलता है कि हमारा जो एंट्रोपी होगा यूनिवर्स का, डेल्टा एस यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होगा हमेशा ग्रेटर होगा जीरो से। यही आपका सेकेंड लॉ है। एग्जाम में आए पूछे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताते थे, एक लाइन में आप ये आंसर दे सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है यूनिवर्स का डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर होगा जीरो से। इट मीन्स क्या, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये देखो, ये तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज जानिए, अब प्रैक्टिकली इसका, प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसका एप्लीकेशन हम कैसे देखेंगे। एट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, हमारा यूनिवर्स हमेशा डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है। देखो तो ऐसे भी तुम, ऐसे अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ तो तुम सोच सकते हो कि एंट्रोपी मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब देखो डेली क्या हो रहा है, तुम लोग सुनते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज तो, होगा, इंक्रीज। देखो ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो अभी तुम चेयर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, और चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एकदम शांत से बैठे हो, जैसे ही तुम्हारे चेयर के नीचे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मतलब मान लो चेयर के नीचे किसी ने आग लगा दिया, तो तुम क्या उसी बैठे रहोगे या फिर तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ेगा और तुम चेयर से उठ के भागोगे, भागोगे ना, तो भाग रहे हो या इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ गया, यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो देखो डे टू डे लाइफ में तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग ये सब बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो ये तो तुम ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो, बट ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ ना, इसका प्रैक्टिकल हम कैसे हम देखेंगे प्रैक्टिकली। जैसे हम बोले ना फर्स्ट लॉ को यहाँ पे ये फेल कर रहा था ना, सेकेंड लॉ इसमें कैसे मदद करेगा, तो देखो कैसे मदद करेगा, ऐसे मदद करेगा कि सेकेंड लॉ बोला डेल्टा एस यूनिवर्स, किसी बच्चे को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा ग्रेटर जीरो, और यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, बोलते हैं क्या? यस सर, जी सर। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। yes. अब हम जो तुम्हारा डेल्टा एस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, क्यू बाई टी, अभी हमने लिखा था ना ऊपर क्यू बाई टी लिखा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टेम्परेचर सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, लिख सकते हैं ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब क्या हो गया बच्चे, रिपीट कर दो सर, मेरी क्लास बीच में लीव हो गई थी। देखो कहाँ से रिपीट करना है बच्चे, मुझे कैसे पता चलेगा? ऊपर से। अच्छा ऊपर से, मैं एक बार जल्दी से मतलब सेकंड लॉ से ही बता दे रहा हूँ, देखो ताकि जो बच्चा का लीव नहीं हुआ वो उसका रिविजन भी हो जाएगा। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अब क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से पहले तुमको एंट्रोपी वर्ड जानना होगा। एंट्रोपी वर्ड क्या बोलता है, रैंडमनेस, मतलब कोई चीज कितना मूव कर रहा है वो उसका रैंडमनेस है। जैसे गैस पार्टिकल मूव कर रहा है वो उसका रैंडमनेस है, और उसी रैंडमनेस को हम थर्मोडायनेमिक में एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक। तो रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी हुआ। फिर मैंने बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ रहा है। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर जीरो। और हम जानते हैं यूनिवर्स को हम बोल सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्या बोल सकते हैं यूनिवर्स को, हमने लिखा सिस्टम
प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो. और हमने जाम जानते हैं एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू Q by T. तो हमने लिख दिया S के जगह पे Q सिस्टम डिवाइडेड बाय T सिस्टम, और यहाँ पे भी लिख दिया Q सराउंडिंग डिवाइड बाय T सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो. तो यास्मीन आपको समझ में आया क्या? अभी भी कोई डाउट है क्या बच्चा? यस सर, क्लियर हो गया. क्लियर हो गया ना. तो हमने ये लिखा. अब इसका देखो, अब इस जो ये था ना, इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं. मान लो ये 100 किलो जूल है, तो इसका क्या होगा? जब एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मान लो क्या टेम्परेचर हम मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर मान लो 400 केल्विन है. सिस्टम का टेम्परेचर क्या माना हमने? 400 केल्विन. और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं? रूम टेम्परेचर मान लेते हैं. तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन होता है ना. तो हमने इसको 298 केल्विन रख दिया. सिस्टम का टेम्परेचर मान लिए. क्यों सिस्टम का ज्यादा टेम्परेचर माने? क्योंकि हीट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है ना. देखो जिसमें एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा. तुमको ही पता है भैया, एक ठंडा ग्लास का बॉटल है, तुम उसको उठा सकते हो आसानी से. लेकिन उसी ग्लास को तुम जब गैस पे रख के गर्म कर दिए, यानी कि तुमने क्या दिया? उसका हीट बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ा दिया, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना. तो तुम उसको छू भी नहीं सकते हो. हमेशा टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना. यस सर. जी सर. यहाँ पे 100 किलो जूल था, इसलिए इसका हम टेम्परेचर ज्यादा माने 400. और यहाँ पे 25 किलो जूल है, तो रूम टेम्परेचर इसका मान लिए. ठीक. अब पहले इसमें क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है? ये 100 से 80 में आ गया. यानी कि हो सकता है कितना डिक्रीज किया? 20 किलो जूल इसने हीट रिलीज किया है. तो इस फॉर्मूला में तुम क्यू का वैल्यू क्या लिखोगे? सिस्टम का -20 लिखोगे क्या? -20. और टेम्परेचर सिस्टम का कितना था? 400 प्लस 400. तो हम यहाँ पे 400 लिख सकते हैं क्या? 400 लिख सकते हैं. प्लस सराउंडिंग ने क्या किया? कितना हीट सराउंडिंग गेन कर रहा है? ये 20 लॉस किया, तो फर्स्ट लॉ किससे क्या हो जाएगा? 20. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? प्लस 20 लिख सकते हैं क्या? प्लस 20. हाँ. बहुत ज्यादा बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह आ गया है लगता है क्लास में. मतलब बच्चे चिल्ला के बोल रहे हैं. टेम्परेचर क्या होगा सराउंडिंग का? 298. अब आपको बताना है कि इसका जो ये इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा. क्या ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव देगा, आपको बताना है. कैसे बताइएगा? आपको पता है कि देखो न्यूमरेटर दोनों में सेम, तो जिसमें डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा वो नंबर छोटा. पता है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है. यस सर. तो बताओ कौन इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव आया. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव. हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो फॉलो हो गया ना. यस सर. तो फॉलो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये कंडीशन अलाउड हो जाएगा. क्या हो गया? यानी कि जो तुम ये कंडीशन जो तुम किए थे, ये क्या हो गया? अलाउ हो गया. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अलाउड हो गया. अब खुशबू, अब कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है. जी सर. क्या डाउट है बच्चे? सर ये पॉजिटिव आया, ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. देखो मैं कर दे रहा हूँ. कोई नहीं बच्चे, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. आपको जितने भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं. देखो मैंने एक्सप्लेन ये किया कि देखो यहाँ पे तुम्हारा पहले -20 क्यों लिए? क्योंकि सिस्टम -20 हीट लूज कर रहा है. तो हीट लूज किया यानी कि हीट दे रहा है तो माइनस लेंगे. और टेम्परेचर आपको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में 400. फिर इसने हीट गेन किया, सेकंड वाले ने, सराउंडिंग ने हीट गेन किया, तो प्लस 20 लिख दिया. और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया हुआ था. अब हम देखेंगे प्लस माइनस कैसे होगा. हम जानते हैं ऊपर 20 इधर भी 20, तो हमने काट दिया क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है, दोनों में तो 20-20 है, काट दिया. यहाँ पे देख रहे हो डिनोमिनेटर में क्या है? नंबर बिग. डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा होता है ना, तो एक्चुअल में वो नंबर क्या होता है? छोटा हो जाता है. तो ये नंबर जो माइनस वाला जो नंबर था ना, वो क्या हो गया? इस नंबर से छोटा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया.
अरे तुमको पता है ना ऐसे 1/2 और 1/10 कौन नंबर छोटा है और कौन बड़ा है? तो 1/2 क्या है, बड़ा है ना, बड़ा है। जब डिनोमिनेटर में छोटा नंबर रहता है ना तो वो ओवरऑल नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में छोटा नंबर था तो ये नंबर तुम्हारा क्या हो गया, बिग। ये नंबर तुम्हारा बिग हो गया, और बिग में से तुम थोड़ा छोटा माइनस करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आंसर आएगा ना, तो इसलिए ओवरऑल पॉजिटिव आंसर आ गया। तो इसलिए हमारा ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो गया, ये सेकेंड लॉ से ये कंडीशन अलाउड हो गया। अब समझ में आया क्या खुशबू आपको, कि अभी भी कोई डाउट? सर कोई डाउट? सर अब डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हम ये पढ़े इस कंडीशन के लिए ये अलाउड हो गया। अब ये चेक करते हैं सेकंड लॉ से कि ये क्यों नॉट अलाउड हुआ। ध्यान देखो, अब तुमको सेकंड कंडीशन हम ये लिखते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सिस्टम कितना हीट गेन कर रहा है। अरे सिंपली समझ लो कि जैसे तुम सबसे आगे बैठे हो और तुम्हारे दोस्त लास्ट में बैठे हैं, तो क्या बच्चे ने क्या लिखा, इस बच्चे का मैं कमेंट थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, ठीक है ना। बच्चे ने कुछ अच्छा कमेंट लिखा है। तो अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, सिस्टम जो है 20 किलो जूल हीट गेन किया। थर्ड वाले में क्या कंडीशन, 20 गेन किया, यानी कि तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगा रहे थे हम लोग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, हम क्या लगा रहे थे, इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और डेल्टा एस सिस्टम को तुम क्या लिखे थे, क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाई टी सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। अब देखो जो लास्ट वाला केस था उसमें क्या था, गर्म पानी का जो बॉटल है उसको हम टेबल पे रख रहे थे तो वो क्या हो रहा था, और गर्म हो जा रहा था, और गर्म हो जा रहा था ना, यानी कि क्या था, वो तुम्हारा 20 किलो जूल क्या कर रहा है, 20 किलो जूल एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्यू क्या हो जाएगा, प्लस 20 या माइनस 20? प्लस 20 किसका, प्लस 20। हाँ सिस्टम का हम क्या क्यू लिखेंगे, प्लस 20। टेम्परेचर 400 सराउंडिंग का क्या लिखेंगे, प्लस 20 या माइनस 20? माइनस 20। अब ये बताओ ये ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ। फिर वैसे ही चेक करना है डिनोमिनेटर में, नेगेटिव सर, नेगेटिव आएगा सर, नेगेटिव आएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, ये तो प्लस ग्रेटर आना चाहिए था ना जीरो से, सेकंड लॉ क्या करता है, तो ये तुम्हारा कंट्राडिक्ट कर गया ना, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, ये नॉट अलाउड हो जाएगा ना, नॉट अलाउड हो गया। तो इसलिए सेकंड लॉ आपको हेल्प किया कि नहीं, कि हीट का फ्लो कैसे होगा, आप कैसे जाने, सेकंड लॉ का इस्तेमाल किया। जैसे ही डेल्टा एस निगेटिव आया आपने बोल दिया कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था, फर्स्ट लॉ सबको पॉसिबल करा दे रहा था। देखो फर्स्ट लॉ के हिसाब से सब पॉसिबल थे, लेकिन तो यही तुम्हारा सेकंड लॉ ऐसे तुम्हारा हेल्प किया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर पूछे एग्जाम में व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आसान भाषा में आप ये बोल दीजिएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बच्चे को कोई डाउट? हाँ अनुष्का, आपने बाय चांस हो गया था, गलती से हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेगा, नहीं समझ में आया हो तो बोलेगा मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्रिस्टल क्लियर है। तो अब ये तुम्हारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, एक एक मिनट का क्वेश्चन है, ठीक। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा हीट ऑफ फॉर्मेशन अब समझ आया, क्या समझ में आया। अच्छा अभी मैं बच्चे आप लोग का कुछ चैट अभी मैं उतना नहीं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन कराने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो ये तुम्हारा AIPMT 2003 का क्वेश्चन है, मैं सब बच्चों के चैट एक बार लास्ट में देखूंगा, ठीक है, किस किस बच्चे ने क्या क्या लिखा है, किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं सबके कमेंट देखूंगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि देखो ये 2003 का नीट का क्वेश्चन है, मतलब मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है,
कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सा जो रिएक्शन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन बता रहा है। तो देखो मैं एक बार रिविजन करा दे रहा हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है, प्रोडक्ट हमेशा एक मोल बनना चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है, प्रोडक्ट जो है हमेशा एक मोल बनना चाहिए। सर इसका आंसर फर्स्ट होगा। बिल्कुल सही यास्मीन का आंसर बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, रिएक्टेंट जो हो, दूसरा क्या बोलता है हीट ऑफ फॉर्मेशन में, रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में रहना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे ना बच्चों मैं एक ट्रिक बताता हूँ, रिएक्टेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में ना, तुम तो ये तो ऐसे तुम मतलब याद रहेगा तुमको, ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन तो ध्यान रखना है, बट एक ट्रिक ये रहेगा कि कभी भी रिएक्टेंट कोई कंपाउंड नहीं होगा। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम्हारा कार्बन होता है ना, O2 गैस होता है, H2 गैस होता है, ये सब है ना। कभी भी रिएक्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन में अगर CO2 दिख जाए रिएक्टेंट में, मान लो H2O दिख जाए, इथेन मीथेन कुछ भी दिख जाए, तो वो कभी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि CO2 तो खुद ब्रेक होता है ना भाई कार्बन और ऑक्सीजन में, वैसे ही H2O भी तो ब्रेक होता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो इसलिए कभी भी रिएक्टेंट में अगर तुमको कोई कंपाउंड दिख जाए तो वो ऑप्शन खटाक से काट देना, वो रॉन्ग। तो बताओ ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने दो मोल प्रोडक्ट बना दिया। सर आई कैन लीव क्लास सर, नेटवर्क बहुत ही कट रहा है। अच्छा नेटवर्क कट रहा है तो आप लीव कर जाइए बच्चे, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। वैसे भी हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट थे ना वो कवर कर लिया, अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको मतलब क्या कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं पेपर में, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हाँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मोल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन क्या दो मोल प्रोडक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन बनता है क्या? क्या नहीं, सर। तो आंसर गलत। अब दूसरा तुम देखो, क्या नेचर में ऑक्सीजन O3 में प्रेजेंट है क्या? वो तो O2 गैस में है। यस सर, नहीं ये भी गलत है। ये भी गलत है, अभी हमने बोला कि कभी भी रिएक्टेंट कंपाउंड नहीं रह सकता, ये भी गलत। और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट भी दो मोल बना दिया, तब भी दोनों तरीके से ए है इसका आंसर, ए। तो ये भी हाँ बिल्कुल सही, बच्चे ने बिल्कुल सही दिया, ए इसका आंसर होगा। तो अब आप सेम यही क्वेश्चन है, ये भी आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर चार सही है क्या? क्या ऑप्शन चार हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा क्या? देखो तो दो मोल यहाँ पे है, हो सकता है क्या? नहीं। और ये भी तो देखो ना, यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या दिया, कंपाउंड दे दिया रिएक्टेंट में, कंपाउंड काटो इसको, क्या ये हो सकता है क्या रिएक्टेंट में कंपाउंड दिया हुआ है? नो सर, काटो। नो सर, ये क्या हाइड्रोजन नेचर में एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है क्या? नो सर। नो सर, तो ऑप्शन क्या होगा? बी सेकंड। तो डी ये क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू -X2, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला -X2 है ना, ठीक है। किसी बच्चों को इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई डाउट तो पूछ लेना। नो सर। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आपको बताना है वर्क डन इन वैक्यूम। अच्छा वैक्यूम में बताओ बच्चे, आपको बताना है वर्क इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है क्या? जब वैक्यूम कंडीशन रहेगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्या? प्रेशर जीरो होता है। प्रेशर जीरो, हाँ। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि कोई प्रेशर उसमें हो ही ना, तो वैक्यूम में क्या होता है बच्चे, प्रेशर जीरो। और वर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वर्क इज इक्वल टू -P इनटू डेल्टा। तो बताओ इस क्वेश्चन का वर्क कितना होगा, जल्दी बताओ। वर्क आपको निकालना है, फॉर्मूला आपका होता है वर्क इज इक्वल टू -P डेल्टा भी, और पी का वैल्यू वैक्यूम में हमेशा जीरो होगा। तो वर्क का आंसर क्या होगा इन चारों में? सर जीरो। सर जीरो। जीरो।
तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में वैकम दिख जाए तो आप प्रेशर जीरो मान लीजिएगा और फिर सॉल्व कर दीजिएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन। यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या ये क्वेश्चन आप लोग किए हैं क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोग का ये एचडब्ल्यू जाएगा, ठीक है। क्या क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, यानी कि आपको निकालना है डेल्टा एच। क्या निकालना है बच्चे? डेल्टा एच। और डेल्टा एच का आपने फॉर्मूला होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, होता है ना? क्या ये फॉर्मूला है? क्या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक। अब तुम्हारा ये फॉर्मूला आता है, अब तुम क्या करोगे? प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट क्या है? सीओ और एच टू ओ। तो तुमने क्या लिख दिया? डेल्टा एच सीओ प्लस एच टू ओ माइनस रिएक्टेंट में क्या है? डेल्टा एच रिएक्टेंट क्या है? सीओ टू और एच टू, सीओ टू प्लस एच टू। अब देखो सीओ का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में? सीओ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एच टू का भी वैल्यू दिया हुआ है, सीओ टू का भी वैल्यू दिया हुआ है, बस उसने H2 का वैल्यू नहीं दिया है। तो तुम बताओ डेल्टा H2 यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, तो क्या हम डेल्टा H2 को जीरो मान सकते हैं क्या? क्या डेल्टा H2 को जीरो मान सकते हैं क्या, क्योंकि क्वेश्चन में गैसियस स्टेट दिया है? यस या नो? यस सर। तो इसका डेल्टा H2 क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट है ना, नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस के फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पे गैस ही दिया हुआ है, तो डेल्टा एच टू आप जीरो रख लीजिएगा और आपका डेल्टा एच इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। तो क्या बच्चे, सभी बच्चे से ये होमवर्क में ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? यस सर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन को, मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसको कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है एनर्जी किसका? रिएक्टेंट का ज्यादा है, एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब तुम एक एज्यूम कर लो रिएक्टेंट का एनर्जी 100 और प्रोडक्ट का एनर्जी, इसने क्या बोला है? प्रोडक्ट का एनर्जी कम, यानी कि मान लो एनर्जी ज्यादा। रिएक्टेंट का एनर्जी तुम्हारा ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो डेल्टा एच प्लस या माइनस, जल्दी बताओ। क्वेश्चन में दिया है रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच तुम्हारा प्लस होगा? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होता है। यस सर। हमने क्या माना? प्रोडक्ट हमने 50 माना। हाँ कम हो गया ना। माना तो माइनस, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन ए सही होगा क्या? जी सर। हाँ तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। अब ये क्वेश्चन बताओ, इसमें आपको इंटरनल एनर्जी बताना है। क्या बताना है? इंटरनल। और फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, होता है ना डेल्टा यू। अब तुमको एक और चीज तुम ध्यान रखोगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव। वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और वर्क बाय द सिस्टम होता है तो वर्क नेगेटिव। अब यहाँ पे हमको देखना है, क्यू का वैल्यू इसने दिया है इन रिवर्सिबल 600 किलो जूल, क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यू अब क्या लिख दिए? 600 लिख दिए। और ये क्या कर रहा है? ये जो सिस्टम है परफॉर्म वर्क, सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है। कितना? 250। तो सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया तो हम यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस लिखे? 250 तो लिखेंगे, प्लस या माइनस, जल्दी बताओ। सिस्टम परफॉर्म वर्क मतलब क्या कर रहा है? सिस्टम ने नेगेटिव होगा सर। बिल्कुल सही, नेगेटिव होगा। तो आंसर भी बता दो। अब डेल्टा यू पूछ रहा था सर। 350 यार। 350 होगा ना क्या? तुम लोग भी 350 होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चे? सी नंबर। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है, हम करते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबसन। देखो हीट ऑफ कंबसन मतलब हमने क्या क्या जानते हो? कंबसन का मतलब क्या होता है? कार्बन, मान लो कंबसन में CO2
किसी चीज को जलाना होता है। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, किसी चीज को जलाना को हम कंबसन कहते हैं। तो कह रहा है हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन, इसने क्या जलाया, कार्बन को जलाया, कार्बन CO2 को। तो कार्बन को जलाएगा तो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बना, तो CO2 बना। तो इसने इसका कितना हीट रिलीज हो रहा है, तो क्वेश्चन में दे दिया इसका हीट रिलीज हो रहा है -393। अच्छा एक चीज तुम यहाँ पे ध्यान दे देना, देखना ऑप्शन तुम देखो, पहले क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, द हीट रिलीज्ड, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन, तो हीट रिलीज की बात कर रहा है। तो क्या कभी भी प्लस हो सकता है क्या आंसर? नो सर, माइनस होगा। ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत, ऑप्शन ए गलत। अब तुम यहाँ पे ये ध्यान देना कि देखो ऑप्शन बी, देखो ये भी तुम्हारा नीट 2015 का क्वेश्चन है, तुम ध्यान देना क्या ध्यान दोगे। देखो ये क्या आंसर है, एक ऑप्शन है 630, एक है 3, एक है 315, अंतर देख रहे हो कुन्ना भाग में, 3 होगा। नहीं नहीं अरे तुम अभी क्वेश्चन पे तो आने तो दो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ऑप्शन में गैप नहीं है, 315 और 600 बहुत गैप है ना, तो क्या है ये 393 को मैं अप्रोक्स में 390 मान ले क्या, क्वेश्चन में क्या मान लेना चाहिए क्या, क्योंकि देखो ऑप्शन में बहुत ज्यादा अंतर, मान सकते इस क्वेश्चन में मान सकते हैं क्योंकि अप्रोक्स में हमको आंसर लाना है, तो 393 हमसे गुणा भाग में थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो क्या करते हैं इसको 390 ही कर देते हैं। क्यों हमने 90 कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में देखो बहुत ज्यादा गैप है, 600 303 बहुत ज्यादा गैप है, तो हमने क्या किया डेल्टा एस का वैल्यू -390 रख दिया। ये कब हो रहा है डेल्टा एस 390, जब क्या बोल रहा है कि CO2, मतलब जब तुम्हारा CO2 बन रहा है, CO2 जब तुम्हारा एक मोल कंबसन तुम कर रहे हो तो तुम्हारा हीट जो रिलीज हो रहा है -390 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रहा है। तो एक और चीज ये ध्यान रखना, CO2 में अगर वजन की बात करें तो क्या 44 ग्राम होता है क्या? Yes, sir. 44 ग्राम होता है ना, क्योंकि कार्बन का 12 और इसका 32, तो 12 प्लस 32 करोगे तो क्या होगा बच्चे 44 ग्राम। जब CO2 बन रहा है, जब तुम किसी चीज को जला रहे हो और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा इसका वैल्यू कितना है, -390 दिया हुआ है। तो यदि एक ग्राम CO2 निकलता तो डेल्टा इसका वैल्यू क्या होता, -390/44 कर देते क्या, 44, यस सर। और यदि मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 35.2 ग्राम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि 35.2 ग्राम CO2 रिलीज होगा तो आपको डेल्टा मतलब H बताना है, तो 35.2 ग्राम रहता तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, -390/44 × 35.2 लिख सकते हो क्या? यस सर, लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि जब एक मोल CO2 बन रहा है यानी कि हीट ऑफ कंबसन हो रहा है तो 393 हीट रिलीज हो रहा है, तो जब 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कितना हीट रिलीज होगा, तो जो ये कैलकुलेशन करेगा वो आंसर होगा। अब देखो एग्जाम में हमको कैलकुलेशन नहीं करना, हमें कैलकुलेशन पार्ट से भी बचना है। कैसे बचेंगे, क्योंकि ऑप्शन ने देख क्या लिखा, बहुत अंतर है ऑप्शन में, बहुत गैप है, तो हम ये 35 को 30 मान ले क्या, मान ले क्या 30? चलो 35 को 0.2 को हम 35 ही मान लिए। अब क्या करोगे, अब क्या किए, ये 35 जो है अब क्या होगा, अच्छा ये कर सकते हैं क्या कि ये 35 और 44 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो लगभग 1.2 के अप्रोक्स आएगा क्या, 1.2 के अप्रोक्स आएगा ना सर, कैसे लगभग 1.2 के अप्रोक्स आएगा, यस सर ऐसे ही आएगा अप्रोक्स, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, एक अपना अज्यूम मान रहे, मान लो किसी पे 1.1 ही मान लो या 1.3 मान लो, कुछ भी मान लो, तो एक देखो तो आंसर क्या होगा, 390 से कम होगा, तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या, क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या, नो सर। अच्छा ये देखो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्यों, क्योंकि जब 393 को 100 से तुम डिवाइड करोगे ना तब जाके 3.93 होगा, होगा कि नहीं, तो ऑप्शन तो बेचारा कर रहा है
3.15 तो ये तो हो ही नहीं सकता, हम 100 से थोड़ी डिवाइड कर रहे हैं, हम तो 1.1 1.2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या बच्चे? नो सर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने कैलकुलेशन किया क्या? नहीं। एक्चुअली वो जब आप नीट का पेपर दीजिएगा या जेई के पेपर दीजिएगा तो उनका टारगेट रहता है केमिस्ट्री चेक करना, उनको डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, उनको कैलकुलेटर नहीं चाहिए। तो इसलिए वो ऑप्शन ऐसा देंगे ना जिसमें आपको ज्यादा गुना भाग करना ही ना हो। यदि आपको केमिस्ट्री आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसलिए एग्जाम में हमेशा दिमाग लगाना है कि क्या इसमें कैलकुलेशन करना है क्या, अगर नहीं करना है वो देखिएगा अक्सर ऐसा रहेगा कि कैलकुलेशन पार्ट से आपको बचा देगा, ठीक है ना। और इस तरह हम कैलकुलेशन पार्ट से बच जाएंगे, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई डाउट आज की कोई टॉपिक ना समझ में आई हो या किस कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो पूछ लो। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ठीक है। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ और किसी बच्चे की कोई क्वेरी होगा तो मैं उसको देता हूँ।